रजी साहब, बानी पीटीआई की सहूलतकारी का इल्ज़ाम, आज फिर 6 लोग जो हैं वो हिरासत में लिए गए और गिरफ्तारियों का दायरा कार आप समझते हैं कि ये फैलेगा? देखिए, लोगों को बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है और उनको घर जाने की इजाज़त दे दी जाती है। ये जो गिरफ्तारी की बात है ये मुनासिब नहीं है। मतलब मेरी इतला है कि परसों तक तकरीबन 103 के लगभग लोगों को बुलाया गया, उनसे मुख्तलिफ हकायक के बारे में गुफ्तगू की गई और उसके बाद उनको उन 103 में से सिर्फ 16 या 18 लोगों को, ये अडियाला जेल के लोग थे? नहीं, मतलब ओवरऑल इस नेटवर्क से रिलेटेड लोग जो हैं या इस पूरे इशू से रिलेटेड लोग हैं, यूं कह लें इस इशू से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, मैं टोटल की बात कर रहा हूं। सही है। तो इसलिए वो जो लोग जाके कहते हैं कि जनाब हम तो घर पर बैठे हुए चाय पी रहे हैं, वो 4 घंटे की इंटरोगेशन भुगत के आए होते हैं। इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसको गिरफ्तारी ना कहा जाए, वैसे कहें कि उन्हें शामले तफ्तीश है। उनके ऊपर मुख्तलिफ पाबंदियाँ लिमिटेशन लगा दी जाती हैं, मतलब मुल्क छोड़ के ना जाएं, अब शहर छोड़ के जाने से पहले इजाज़त तलब करें, इस तरह की बातें होती हैं। पहली तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये बहुत डीप रूटेड सिस्टम था और उस डीप रूटेड सिस्टम को जब आप अपरूट करने लगेंगे तो बात बहुत गहराई तक जाके करनी पड़ेगी ना, और ये इतनी सेंसिटिव बात है कि इसे हमें मेन स्ट्रीम मीडिया पे करने से परहेज करना चाहिए। ओमाई का सानिया, रजी साहब, इतना आम और मामूली सानिया था कि बाकी के दीगर ये जो केसेस हैं इनका सहारा लिया जा रहा है कि प्रोसिक्यूशन से वाकई अभी तक अदालतों में ये साबित ही नहीं हो पाया, जो रिलीफ मिला है, जो जमानतों पर लोग बाहर आ गए, इतने लोग जो है वो कैप्चर किए गए, गिरफ्तार किए गए, तो अब बुशरा बीबी का 12 मुकदमात में यूं ने ये रिलीफ मिल जाना, तो आप समझते इतना ये मामूली सा वाकया था कि हुकूमत साबित ही नहीं कर पा रही? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि जो उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो शायद हुकूमत पेश नहीं कर सकती। कर सकती? हाँ जी, उन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर ऐसी बातें हैं जो हुकूमत का, रियासत का मुकामी और आलमी सतह पर मजीद मजाक बनाने का बायस बनेगी। लिहाजा वो वीडियोज़ तो महफूज हैं और महफूज हाथों में, ठीक है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि प्रोसिक्यूशन के तो हक में जाएंगी, रियासत पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं हूं। तो रजी साहब, क्या अब आप देखिए ना मियाँ वाली के तो अंदर साइफर की नहीं, मैं 9 मई की बात कर रहा हूँ। जैसे देखिए ना, जिसकी भी बात कर रहे हैं, मैं बसद एहतराम अर्ज करूंगा, मेरी बात उसमें कोई सलामती पे हर्फ आता है तो फिर मेरे ख्याल है कि वो एविडेंस महफूज हाथों के में रखने के साथ साथ वो इल्जामात भी फिर महफूज हाथों में रख ले, अदालतों में ले जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं थी, लेकिन 9 मई वालों के लिए कुछ तो करना था ना, वरना भाई 4 अफगानी आपने किराए पे लिए और उन्हें कहा कि साथ में बंदूकें भी लेते आना और साथ में वहां से जहाज हमारे पास टाइम इतना था।